जैसे बवासीर है, नासूर है, चिंगराज है, भकंदर की बीमारी है, दाद है, खुजली है। दोस्तों, इस रहस्यमय दुनिया में कब और किस जगह पर अनेक चमत्कार से जुड़ा हुआ, रहस्यमय से भरा हुआ अद्भुत नजारा सामने देखने को मिलता है, जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल सा हो जाता है। वैसे ही भारत की छत्तीसगढ़ राज्य में मुंगेली जिला में स्थित एक ऐसा चमत्कारी तालाब है, जो अनेक रहस्यमय और अलौकिक चमत्कार से जुड़ा हुआ नजारा सामने में देखने को मिला है। और उस तालाब में डुबकी मात्र लगाने से ही मनुष्य के सभी रोगों और कष्टों का इलाज पल भर में ही ठीक हो जाता है। आखिर ऐसा कौन सा तालाब है, कहां पर स्थित है, जानने के लिए बने रहें वीडियो में पूरा लास्ट तक। हेलो दोस्तों, मैं चुनेश्वर पटेल, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक जरूर करें। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में एक से बढ़के एक अनेक रहस्यमय चीजों और जगहों से भरा पड़ा है स्थान देखने को मिलता है। वैसे ही एक ऐसा तालाब है जिसमें मनुष्य के नहाने मात्र से ही सभी मनुष्यों के बड़े से बड़े खतरनाक बीमारियां, कष्टों और रोगों से मुक्ति मिल रहा है। दोस्तों, हम जिस तालाब के बारे में बात कर रहे हैं, उस तालाब का नाम है पड़ी तालाब। और इस पड़ी तालाब में सभी मनुष्य अपने दुख तकलीफ और कष्टों से राहत पाने के लिए इस पड़ी तालाब में स्नान करने आ रहे हैं। दोस्तों, इस पड़ी तालाब की स्थान की बात करें तो यह पड़ी तालाब छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिला और लोरमी तहसील के बीच के रोड में मनोहरपुर और बरबसपुर बीच के गांव में पेड़ी गांव स्थित है। और वहीं पर यह पड़ी तालाब स्थित है और यह पड़ी तालाब के नाम से प्रसिद्ध है और इसी नाम से सभी लोग इस पड़ी तालाब को जानते हैं। दोस्तों, इस पड़ी तालाब का इतना प्रसिद्ध होने का यह खास बात है कि इस तालाब में नहाने मात्र से ही सभी मनुष्य का बड़े से बड़े खतरनाक बीमारियां, जैसे शरीर में दाद, खांच, खुजली होना, चर्म रोग से परेशान, इंद्राज रोग, कुष्ठ रोग, चिकन फॉक्स, छोटी माता, ठीक नहीं होने वाला घावों, हाथों और पैरों की हड्डियों में दर्द होना और कैंसर जैसे बड़े से बड़े बीमारियों का इलाज इस पड़ी तालाब में नहाने से सभी रोगों का इलाज हो रहा है। इस तालाब में स्नान करने के लिए लोगों में भारी मात्रा की संख्या में भीड़ लगा रहता है, सड़कें जाम हो जाता है, लोग दूर दराज से इस पड़ी तालाब में स्नान करने के लिए आ रहा है। और दोस्तों, इस तालाब में स्नान करने के लिए अपने मन इच्छा से पूजा अर्चना करने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे एक अगरबत्ती और एक नारियल और दीपक जलाकर 3 सोमवार को इस पड़ी तालाब में नहाना पड़ता है, तभी सभी कष्टों का इलाज होता है। और दोस्तों, इस तालाब में नहाने से ठीक होने का गारंटी मनुष्य अपने आत्मा से, अपने सच्चे मन और पूजा अर्चना श्रद्धा भक्ति से स्नान करने पर प्राणी के सभी रोगों और तकलीफों से राहत मिलता है। यह पड़ी तालाब एक आस्था का प्रतीक है दोस्तों। और इस तालाब में मुख्य रूप से गुरु घासीदास जी का पूजा अर्चना करके इस तालाब में स्नान किया जाता है और अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ कर रहे हैं। और दोस्तों, इस तालाब का रहस्य आज से लगभग 200 साल पुराना है, इस संत के द्वारा बताए गए इस वीडियो के माध्यम से समझे। एमा थोड़ा सा गड्ढा रहीस, ओमा जल रहीस, नायक भैंसा बैला के रोजगारी करत रहीस, नायक लकोड़ के बीमारी रहीस, पुष्ट रोग के बीमारी रहीस, भैंसोल कुछ बीमारी रहीस, भैंसा गड्ढा के जल के पानी ला भैंसा है पीस है और ओमा के स्वस्थ पूरा भैंसा तुरंत स्वस्थ हो गए, ओकर बीमारी खत्म हो गई। तो नायक सोचते मट्टी शरीर में छुपरे है और अपन वही जल में स्नान करे है और बैला भैंसा बेरोजगारी करत रही, जो भैंसा बैला भैंसा रोजगारी करके एमेर बरबसपुर गाँव रही है, पड़ी तालाब भी है, ये मनोहरपुर तीनों गाँव के बीच में तालाब हवा और नायक की ही पूरा पुराना सियान मल्ला जोड़ के मैं एमेर सागर खनवा देते, मोर दैसे दैसे बीमारी रहीस, मोर पुष्ट रोग की बीमारी रहीस, तो का हो ही कहीस कोनो दू डंगनी कोनो दू चार डंगनी ऐसे सहयोग के पुण्य के काम करीस, ओकर बाद में नायक खुदा के चल दीस, खुदा के बाद में आज हमार
बीच में संतनामी समाज के बीच में हमारे भारत में हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे धरोहर छोड़ के गई से जेकर वर्णन नहीं कर सकता। दाद है, चिंगराज है, बबासीर है, नासूर के बीमारी है, उंगली मन जैसे अकड़त है वो पूरा ठीक हो जाते हैं, बड़े बड़े बीमारी ठोकते हैं। श्रद्धा और भक्ति शाही एकरे में ये गंगा मेरी शक्ति है, हमारे में कोई शक्ति नहीं, बाबा मेरी शक्ति है, ये चांद सूरत धरती आकाश एकर मेरी शक्ति है, ओकरे मेरे पावर है। तो दोस्तों इस चमत्कारी पड़ी तालाब के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, नीचे कमेंट में अपना राय जरूर देना।